हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यूल डूइंग फाइन एंड से आप लोग पढ़ चुके हो फिर से आज एक हॉल वीडियो होने वाला है

होक मेकअप से मैंने सारे मेकअप रेवोल्यूशन के ही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बस एक ही मिलानी का प्रोडक्ट है इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ था काफी पतला सा बॉक्स है तो ऐसे दो बॉक्सेस थे और वो दोनों ही टेप होके एक ही साथ आए थे मुझे सो पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी अच्छे से बबल रैप था प्लास्टिक बबल रैप यूज हुआ था येस बट और सारे प्रोडक्ट्स काफी सेफली आए हैं बिकॉज ये सारी ही पैलेट्स थी तो अगर टूट जाती तो डैमेज हो जाती गंदी तरीके से बट सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से आया एंड द डिलीवरी वाज लाइक सुपर फास्ट इफ आई एम नॉट रॉंग मैंने जिस दिन प्लेस किया था उसके जस्ट नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था और मे बी द नेक्स्ट डे टू दैट मतलब एक या डेढ़ दिन में मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे सो दैट इज लाइक सुपर 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 क्विक ट्रैक भी आप कर सकते हो एंड मतलब मुझे इनका जो यूजर एक्सपीरियंस

आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ सो इट इज लाइक अ वाइट ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ अ सेटिंग पाउडर एंड या uh, yeah, ये सब तो मैं आपको यूज़ करके ही बता पाऊँगी कि, uh, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है आप सारे रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट है तो सबसे पहले मैंने मंगाया ये रेवोल्यूशन का बनाना डीप बेकिंग पाउडर मेरे पास uh, जो लूज पाउडर्स ऑलरेडी है मेरे पास ट्रांसलूसेंट है एक स्किन टेंट कलर स्किन वाले कलर में भी है देन बनाना पाउडर जो मेरे पास है वो इतना डार्क नहीं है दैट इज़ अबिट लाइट तो मीडियम स्किन टोन पर वो जाएगा बट दिस वन इफ यू कैन सी इसका जो कलर है इट इज लाइक डीपर तो ये जो डस्की ब्राउन वाली स्किन होती है ना उन पे इससे बेकिंग अच्छे से होगी वरना जो व्हाइट वाला होता है या जो लाइट वाला बनाना पाउडर होता है वो व्हाइट का छोड़ देगा एंड इट विल यू नो लीव योर मेकअप लुकिंग ग्रे सो इसीलिए मैंने इसका ये वाला मंगाया है द बनाना डीप बेकिंग पाउडर नेक्स्ट आई गॉट दिस

सही है लाइक इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी ऐसा बहुत ज़्यादा अनोइंग इसकी फ्रेगरेंस नहीं है सो so, या yeah. ज आई एम लाइक इट बट ये मेकअप कितनी देर तक टिकाएगा वो तो यूज करके देखना पड़ेगा इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना आई video ऑन दैट separately, वरना हॉल वीडियो बहुत लंबा हो जाता है नेक्स्ट आई गॉट दिस रेवोल्यूशन प्रो का फोर के हाईलाइटर पैलेट अगेन ये मेरी अकेडमी में टीचर वैनिटी में है मैंने खुद तो यूज नहीं करके देखा है बट रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा था सो आई गॉट इट एंड आई मस्ट से ऑफ द टॉप मैंने स्वॉच करके देखा था इस पैलेट को मुझे ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा बटरी लगता है लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल चौकी और पाउडरी यू कैन सी कि पिगमेंट भी इसका काफ़ी अच्छा है एंड इट गिव्स सच ब्यूटीफुल शाइन प्लस आपको एक ही पैलेट में चार शेड्स मिल जाते हैं वेरी वेरी प्रिटी एंड ये जो चारों शेड्स हैं ये इंडियन स्किन टोन पे काफी अच्छे लगेंगे लाइक इज दिस दिस वाइट सिल्वर वाला शाइन के साथ देन देन वी हैव शैम्पेन काइंड ऑफ कलर ये एकदम येलो गोल्ड है एंड देन ये थोड़ा सा कॉपरी वाला गोल्ड है तो ये अच्छे लगेंगे सारे इंडियन स्किन टोन्स के साथ ये वाला पैलेट चला जाएगा नेक्स्ट आई गॉट टू ब्लश पैलेट्स फ्रॉम रेवोल्यूशन एक मैट है एंड दूसरा जो है वो शिमरी है सो एल शो यू द पैलेट लुक्स लाइक दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन श्रन का ब्लश पैलेट नथिंग फैंसी सो इसमें ये सारे कलर्स है, हैं इफ यू कैन सी इसमें काफी सारे कलर्स हैं एंड डिफरेंट स्किन टोन्स को जाएंगे बट आई विल से कि ये वाला पैलेट ना फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा ऐसे डीप शेड्स नहीं दिख रहे हैं जिनको कि आप एज अ ब्लश डीप डस्ट की कॉम्पलेक्शन पे यूज कर पाओ टॉकिंग अबाउट द पिगमेंटेशन ऑफ दिस पैलेट मैंने ये पैलेट यूज नहीं किया पहले कभी बट uh, सोच के हिसाब से इसका पिगमेंट काफी अच्छा है एंड पाउडरी नहीं है इसमें ये जो दो शेड्स हैं इनमें मुझे हल्का सा शिमर आ, पार्टिकल दिख रहा बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सो यू कैन यूज देम इफ यू वांट टू गिव दैट ग्लोइंग ब्लश वाला इफेक्ट बट उतना ज्यादा आएगा नहीं यू हैव टू टॉप इट अप विद हाइलाइटर ये चारों मैट शेड्स हैं देन दीज टू आर लाइक शिमर एंड हाईलाइटर्स आई कैन आई जस्ट शो यू तो इफ यू लाइक like, uh, बिल्कुल ही शिमरी वाले ब्लश तो यू कैन गो फॉर दिस टू देन नेक्स्ट इज दिस वन ये भी रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट ही है आई डोंट नो इनके शेड्स अलग अलग हैं या क्या है या yeah. सो so, ये वाला जो पैलेट है इसका शेड है हॉट स्पाइस एंड ये वाला जो पैलेट है इसका शेड है गोल्डन शुगर अच्छा मुझे नहीं पता था ये सेम ही रेंज के दो अलग पैलेट्स हैं सो so, इसमें

बट ये वाले भी ब्लश जो है मैं अगर आपको सोच करके दिखाऊं यू कैन सी दीज आर लाइक वेरी वेरी शिमरी तो अगर आपको शिमर वाले ब्लश पसंद है तो यू कैन ट्राई दीज आउट मैंने ये वाला पैलेट पहले अगेन मैंने यूज नहीं किया हुआ है बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई But I will see कि अगर आपको इन दोनों में एक पैलेट लेना है यूज कर पाऊंगी बिकॉज uh, कुछ कुछ शेड्स तो हैं जो शिमरी ब्लश की तरह यूज हो जाएंगे और हाईलाइटर की तरह यूज हो जाएंगे बट बाकी शेड्स मुझे थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं बट लेटस सी नेक्स्ट आई गॉट दिस पैलेट दिस इज द रेवल्यूशन एक्स रॉक्सी पैलेट रॉक्सोरस इज़ एन इंटरनेशनल यूट्यूबर एंड आई हैव बिन फॉलोइंग हॉर फॉर ईयर्स नाउ सोफ़ी एंड रॉक्सी मैं इन दोनों को ही बहुत सालों से फॉलो करती हूँ लाइक दे हैव बीन द पीपल जिनके वीडियोज़ देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ एंड आई लव दैम और ये वाले जो पैलेट जब रिलीज़ हुए थे ना रॉक्सी का भी रेवोल्यूशन के साथ uh, को लाभ आया था देन सोफ़ी का भी आया था तो मैंने uh, जब ये लॉन्च हुआ था ना उस टाइम पर भी मैं उन लोग को फॉलो करती थी बट ऑबियसली आई डेंट गेट द पैलेट दैन बट

यू आर जस्ट सॉर्टेड लाइक इन वन पैलेट यू आर सॉर्टेड हाईलाइटर में यू गेट फोर शेड्स आई शो यू द स्वचेस मेरा पूरा हाथ भर चुका है स्वच कर करके बट एनी वेज सो यू गेट दीज फोर शेड एंड यू कैन सी की काफी अच्छी शाइन है अगेन पाउडरी बिल्कुल भी नहीं है एंड दे ब्लेंड रियोली रियोली वेल तो काफी अच्छा पैलेट है ये काफी वर्सेटाइल है एक पैलेट से आपके काफी सारे काम निकल जाएंगे बिकॉज इट गिवस यूराइटी ऑफ यू नो शेड ऑप्शन ऑल दो मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं बट यूज करके अगर आपको चाहिए कि मैं रिव्यू बनाऊ मुझे कॉमेंट्स में बताना मैं जरूर बनाऊंगी एंड जैसे ही सेल दोबारा लगेगी मैं इनके आई शेडो पैलेट्स भी मंगाने वाली हूँ आई हैव एन बॉट एनी न्यू आई शेडो पैलेट एंड आई थिंक दिस इज दॉब मैं नहीं मंगा रही थी कुछ सालों से इतना भर भर के, तो ठीक था बट नाउटिंग खाली हो जाएगा बट या दैट इज इट फॉर टुडेज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो इफ सो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दैनल आई इन सेल्दी बा